सनसनी ऑफ इंडिया। फरीदाबाद सेक्टर 59 स्थित कॉपर वायर फैक्ट्री में दो गार्डों को बंधक बनाकर 30 लाख की कॉपर डकैती का मामला क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की पुलिस ने सुलझा लिया है। क्राइम ब्रांच ने डकैती करने वाले 5 बदमाशों सहित एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गिरीश उर्फ बंटी, पंकज, जितेंद्र, राम नरेश, संजय तथा कबाड़ी आरिफ के रूप में हुई है। आरोपितों से डकैती का अधिकतर माल बरामद कर लिया है। इनमें से मुख्य आरोपित बंटी पहले इसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर चुका है। उसे फैक्ट्री के बारे में काफी जानकारी थी। जाते वक्त बदमाश फैक्ट्री से DVR सहित CCTV कैमरा भी लूट कर ले गए थे। दिनांक 22 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे सेक्टर 58 थाने में प्लाट नंबर 127-128 सेक्टर 59 स्थित राजपूत केबल प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में लूट की एक कॉल मिली। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजू फ्यूल फैक्ट्री है जिसके अंदर अभी कुछ दिन पहले कॉपर वायर की लूट हुई थी। कॉल मिलते ही सेक्टर 58 थाना पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट व डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने क्राइम ब्रांच 65 को जिम्मेवारी सौंपी। आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच 65 प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र के नेतृत्व में PSI तरुण, ASI भूपेंद्र, कांस्टेबल संदीप और अनिल की एक टीम बनाई गई। क्राइम ब्रांच टीम को फैक्ट्री मालिक सेक्टर 9 निवासी हिमांशु ने बताया कि उसकी सेक्टर 59 में राजपूत केबल के नाम से बिजली की तार बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के दो गेट हैं और दोनों गेटों पर अलग अलग गार्ड तैनात हैं। फैक्ट्री के फॉरमैन हीरालाल हर रोज की तरह सुबह 4 बजे जब फैक्ट्री में पहुंचे तो वहां पर उसे फैक्ट्री के दोनों गार्डों के हाथ पैर बंधे दिखाई दिए। फोरमैन ने तुरंत एक एक करके दोनों गार्डों के हाथ पांव खोले तो गार्डों ने बताया कि देर रात मेन गेट पर तैनात गार्ड टहलते हुए पिछले गेट की तरफ किसी काम से आया था। तभी 4-5 बदमाश पिछले गेट की दीवार को फांदकर अंदर घुस आए और सबसे पहले एक गार्ड के हाथ पैर बांधकर जमीन पर पटक दिया। जब गार्ड ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके मुंह पर घुसा मारकर उसे घायल कर दिया। दूसरे कमरे में मौजूद दूसरे गार्ड को भी बदमाशों ने मारा पीटा और उसके भी हाथ पैर बांध दिए। दोनों गार्डों को काबू करने के बाद बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर से पिछले गेट के ताले को तोड़कर अपने साथ लाए पिकअप गाड़ी को अंदर खड़ा कर लिया। पिकअप गाड़ी में भरकर बदमाश फैक्ट्री से कॉपर तार की 90 रील लूटकर ले गए जिनकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक थी। जाते वक्त बदमाश फैक्ट्री से DVR सहित CCTV कैमरा भी लूट कर ले गए। ये राजू केबल फैक्ट्री है, ये उसका बैक साइड है और इसी गेट से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। टीम ने फैक्ट्री के आसपास लगे दर्जनों CCTV कैमरों को खंगाला। वारदात स्थल के आसपास देर रात चालू सभी मोबाइल नंबरों को स्कैन किया लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर भी क्राइम ब्रांच टीम ने हार नहीं मानी। क्राइम ब्रांच 65 प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र की टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। चोरी का सामान खरीदने वाले सभी कबाड़ियों पर नजर रखने के साथ साथ संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। मुखबिरों व टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी SGM नगर में एक किराए का कमरा लेकर उसमें छुपे हुए हैं। क्राइम ब्रांच टीम ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को SGM नगर से दबोच लिया। ACP क्राइम सुरेंद्र श्योरान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड आरोपी गिरीश उर्फ बंटी उर्फ मोहित है जो पहले इस फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। बंटी ने 6 महीने पहले यहां पर गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की और 3 महीने बाद ही नौकरी छोड़कर चला गया। आरोपी बंटी को इस फैक्ट्री के बारे में काफी कुछ जानकारी हो चुकी थी इसलिए आरोपी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री में लूट की वारदात की योजना बनाई थी। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी चोरी का एक मुकदमा दर्ज है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लूट करने के पश्चात लूट का सामान SGM नगर के पास जमाई कॉलोनी में आरिफ नामक कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर कबाड़ी आरिफ को भी जमाई कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अभी तक 10 बंडल तार और वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। बाकी माल की बरामदगी के लिए आरोपियों का 2 दिन का रिमांड लिया है। आरिफ कबाड़ी के कब्जे से 2 बंडल तार बरामद किए गए हैं। मैं सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच के सामने खड़ा हूं। अभी कुछ दिन पहले राजू केवल के अंदर रात के समय कुछ चोरों ने कॉपर वायर की लूट की वारदात को अंजाम दिया था जिसके अंदर सभी अक्यूज पकड़े गए हैं और वो कबाड़ी भी गिरफ्तार कर लिया गया। 21-22 नवंबर 2021 की रात को सेक्टर 59 में एक कंपनी है राजदूत केबल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कॉपर वायर्स की लूट को अंजाम दिया गया था। गार्ड को और वहाँ एक वर्कर था उनको बंधक बना के कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद
वह डीसीपी क्राइम साहब ने ये जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच 65 को सौंपी थी, जिस पे उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मामले को ट्रेस किया है। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए जो लूट डकैती में शामिल थे। उसके अलावा एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया जिसको इन्होंने मार बेचा था। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।